नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जून की महीने में मूली की खेती कैसे करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं जून की महीने में मूली खेती करने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मूली की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, खेत का पीएच मान कितना होनी चाहिए, खेत का तैयारी किस प्रकार से करें, खाद एवं उर्वरक कौन सा डालें, मूली की कौन सी उन्नत किस्में इस वक्त लगाएं जो आपको बम्पर उत्पादन देगी। तो चलिए इन्हीं सभी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूली की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी। तो किसान भाई बता दें कि मूली के लिए उपयुक्त उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर आपके पास बलुई दोमट मिट्टी है तो आपका मूली का जो उत्पादन है काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। अगर बलुई दोमट मिट्टी नहीं है तो अन्य मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं मूली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जीवांश युक्त मिट्टी का होना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। अगले नंबर पे हम बात करते हैं मूली की खेती करने के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए। किसी भी फसल को उगाने के लिए पीएच मान का जांच करा लेना चाहिए। तो मूली खेती के लिए आपका पीएच मान अगर खेतों का 6.5 से लेकर 7.5 के बीच का है तो ये पीएच मान काफ़ी अच्छा माना गया है। तो आप इसे कृषि विज्ञान केंद्र या अन्य सॉयल टेस्टिंग सेंटर से आप इसका टेस्ट करा सकते हैं कि आपका मिट्टी का पीएच मान क्या है। अब हम बात कर लेते हैं मूली की कुछ उन्नत किस्में के बारे में। मूली की खेती करने से पहले किसान भाई सबसे पहले यही बात आती है कि कौन सी किस्म का चुनाव करें जिससे बाज़ार में इसका बेहतर भाव मिल सके। तो मूली के मैं आपको कुछ उन्नत किस्में बताऊँगा। जैसे कि पहले नंबर पर जो उन्नत किस्में है पूसा क्षेत्र की, इसकी खेती पूरे भारत में की जा सकती है। प्रति एकड़ खेत से 100 क्विंटल फसल की उपज होती है। गर्मी के मौसम में इसकी जड़ें कम तीखी होती है। जड़ों की लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म की मूली सफ़ेद, नरम और मुलायम होती है। फसल को तैयार होने में 40 से 50 दिनों का समय लगता है किसान भाइयों। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी आती है वो है पूसा हिमानी। इसकी जड़ें लंबी, सफ़ेद और कम तीखी होती है। फसल को तैयार होने में 50 से 60 दिन का समय लगता है। इसकी बुआई के लिए अक्टूबर का महीना सर्वोत्तम माना गया है, तो जून में आप इसकी खेती ना करें। तीसरी नंबर पर जो वैरायटी आती है वो जापानी सफ़ेद। इस किस्म की मूली जड़ें 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी, बेलनाकार होती है, कम तीखी भी होती है, चिकनी एवं स्वाद में मुलायम होता है। इसकी बुआई के लिए आप इस महीने में भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं उसके बाद जो वैरायटी है पूसा रेशमी। तो पूसा रेशमी भी की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर होती है और इसकी पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार से करें मूली की। मूली की खेती के लिए खेत की तैयारी की सबसे पहले आपको खेतों की गहरी जुताई करनी है किसान भाई। गहरी जुताई आपको कल्टीवेटर से करा लेनी है जिससे पहले से जो आपको खेतों में अवशेष पदार्थ है वो बाहर निकल कर धूप से सूख जाए। उसके बाद आपको क्या करनी है, सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी है खेतों में और मिट्टी को भुरभुरी बनाने वाली हल को लाना है रोटावेटर को। रोटावेटर को लाकर आपको मिट्टी को बिल्कुल तरीके से भुरभुरी बना लेनी है और भुरभुरी बनाने के बाद बुआई और बीज शोधन की बात कर लेते हैं। यह प्रश्न किसान भाइयों कि आपको बीज को उपचारित करना है, बिना उपचारित किए हुए आप बीज को न लगाएं। आपको बता दें कि मूली का बीज 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है जिसे आप 2.5 ग्राम थीरम का प्रयोग करके 1 किलो बीज के उपचारित कर सकते हैं या आप कार्बन डीजल से भी उपचारित कर सकते हैं। मूली की बुआई कब और कैसे करें, तो मूली आप चाहे तो पूरे साल भर कर सकते हैं। कई ऐसे किस्म होती है जिसकी बुआई केवल ठंड के मौसम में ही की जाती है। बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। किसानों ही मूली की खेती के लिए 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय देनी चाहिए। इसके साथ ही 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास के रूप में प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फॉस्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले आपको दे देनी चाहिए किसान भाइयों। मूली की खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो मूली की फसल में पहली सिंचाई 3 से 4 पत्तियां आने पर करनी चाहिए। मूली में सिंचाई भूमि की नमी के अनुसार कम ज़्यादा करनी पड़ती है। सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल आपको सिंचाई करनी पड़ती है। बात कर लेते हैं खरपतवार प्रबंधन। मूली की फसल में खरपतवार की समस्या रहती है किसान मित्रों। यह प्रश्न काफ़ी सारा किसान भाइयों का कमेंट में आता है कि खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें। तो आपको बता दें कि पूरी फसल में 2 से 3 बार निराई गुराई जरूर करें। जब जड़ों की बढ़ाव आर शुरू हो जाए तो एक बार मेड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर 3.3 लीटर
पेंडामेथिनिल 600 से 800 लीटर पानी के साथ घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दे। मूली में लगने वाला कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा कैरोटो, पीला रोग, ये सभी रोग को आपको नियंत्रण करनी है किसान भाइयों। तो ये रही मूली की खेती की जानकारी। तो जून के महीने में इस तरीके से आप मूली की खेती कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए।